अब सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं सामान्यता या नॉर्मलता या नॉर्मलिटी टॉपिक। आपको बता दें कि रासायनिक इकाई के अंतर्गत ये आपको पढ़ना है। ऐसे तो ये एनसीईआरटी या फिर दो तीन बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बार बार यूज पड़ता है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सामान्यता, ध्यान दिया जाए, सामान्यता को इंग्लिश में नॉर्मलता कहते हैं और इसका पूरा कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बल्कि नॉर्मलिटी कहते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ग्राम समतुल्य भार पर आधारित है, जो आप सभी स्टूडेंट को पिछले लेक्चर में हम ग्राम समतुल्य भार निकालने के लिए सिखाए थे। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं ग्राम समतुल्य भार निकालना, सबसे पहले हम आपको ग्राम समतुल्य भार 5 मिनट में बढ़िया से सिखा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आ जाएगा समझ में। देखिए, आपके पास 10 ग्राम H2SO4 है, 10 ग्राम H2SO4 है, और इस H2SO4 के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अगर हम इसका अणु भार कहें तो आप सभी स्टूडेंट्स 11th क्लास के प्रारंभ में ही अणु भार निकालना सीख गए थे। ये इतना आता है, तो 98 क्या है? अणु भार है। और समतुल्य भार निकालने के लिए सिखाए थे कि अणु भार में धनायन या ऋणायन पर स्थित आवेश से भाग देना है, तो धनायन या ऋणायन पर स्थित आवेश जानने के लिए इसको पहले डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, 2H+ और SO4, तो धनायन कहते हैं धनावेश वाले पार्ट को, तो इस पर धनावेश कितना है? 2, और ऋणावेश तो यहां पर हम 2 से भाग देंगे 49। तो ये 49 समतुल्य भार है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहां बता रहे हैं, जिसका उपयोग विद्युत रसायन चैप्टर में भी होने वाला है और बहुत आराम से समझ में आपको आना ही आना है। आपको केवल अपना नेटवर्क, अपना दिमाग इधर रखना है, उसको जगाइए, देखो पढ़ाई होता बिना थप्पड़ के ना पढ़ना। देखिए धर, तो यहां 49 समतुल्य भार है और 98 अणु भार है, तो यहां पर इस 10 को अगर आप सभी स्टूडेंट 98 से भाग देंगे तो ये मोल हो जाएगा, सीखिए, और इसी 10 को अगर 49 से भाग दे देंगे तो ये ग्राम समतुल्य भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब आपको हम क्या सिखाना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ध्यान दिया जाए। देखिए, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए 90 ग्राम CaCO3 लिए, फिर से बता रहे शुरू से, नया एग्जांपल, CaCO3, इस CaCO3 का अणु भार 100 होता है, निकाल के देखिएगा, 40 + 12 + 16 × 3, और इसका समतुल्य भार 50 होता है। तो यहां अगर 90 को अगर आप 100 से भाग दे दिए तो ग्राम ग्राम नहीं, क्या हो जाएगा? और अगर इसी 90 को आप 50 से भाग दे दिए तो ग्राम समतुल्य भार हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। मतलब इस दो एग्जांपल के माध्यम से एक सूत्र हम आपके दिमाग में फिट करना चाहते हैं, और वो सूत्र है कि दिए गए भार को अणु भार से भाग देते हैं तो मोल होता है, लेकिन इसी दिए गए भार को अगर समतुल्य भार से भाग देंगे तो ग्राम समतुल्य भार की संख्या होगी, क्या होगी? ग्राम समतुल्य भार की संख्या होगी, ग्राम समतुल्य भार। तो ग्राम समतुल्य भार की संख्या का सूत्र आज के बाद आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, दिया गया भार बटा में समतुल्य भार, और मोल की संख्या का सूत्र आपको बता दे कि मोलरता, मोललता, मोलंस, इस तीन टॉपिक का संबंध मोल से था और आज के टॉपिक का संबंध ग्राम समतुल्य भार से है। मोलरता, मोललता, मोलंस का संबंध W/M से था और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं W/E से है। तो आज के पढ़ाई का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको समतुल्य भार निकालने आना चाहिए। अगर आता है तो आप 5 मिनट में
सामान्यता का परिभाषा, सूत्र, प्रॉब्लम बनाने का कॉन्सेप्ट, सब कुछ हमेशा के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। आज हम एकदम डिफरेंट टेक्निक से आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम अलग प्रकार के टेक्निक से। इतना सहज ढंग से परिभाषा सूत्र सब याद करवा देगा कि आप कभी उतना सोच भी नहीं सकते, इतना जल्दी याद हो जाएगा। ये दूसरे ढंग का। सबसे पहले आपको बता दें कि हमको पढ़ाना है सामान्यता यानी नॉर्मलिटी, और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मोलारिटी, और समझ में आ जाएगा नॉर्मलिटी। ये दूसरा टेक्निक है समझाने का, क्योंकि सब कुछ आप लोग, आप सभी स्टूडेंट अपने मेहनत से मोलारिटी का याद कर लिए हैं। हम उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसका परिभाषा सूत्र बिना मेहनत के याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml में, लेकिन घोल के 1 लीटर या 1000 ml में घुलने का जितना मोल होता है, यानी मोल की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए, इसमें क्या है, किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml के घोल में घुलने के ग्राम समतुल्य भार की संख्या को, बस मोल का जगह कौन ले लेगा, ग्राम समतुल्य भार की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। तो हम समझाना चाहते हैं कि जितना आराम से आप मोलरता का परिभाषा याद किए हैं, बस मोल के जगह पर आप बोल दीजिए ग्राम समतुल्य भार। तो किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में घुलने के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, और किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में घुलने के ग्राम समतुल्य भार की संख्या को सामान्यता कहते हैं। ठीक है, मोलरता के जगह, वहां मोल के जगह आपको ग्राम समतुल्य भार बोलना है। अब जरा बताइए तो मोलरता का क्या सूत्र आप सभी स्टूडेंट को याद है? WA × 1000/Z×V, यही ना। अब यहां पर जेड अणु भार है, तो यहीं पर केवल चेंजिंग आना है, एन बराबर हो जाएगा WA × 1000/E×V। तो एक जगह केवल अंतर है, यहां पर अणु भार आया, यहां समतुल्य भार, यहां जेड आया, यहां ई आया। समझ में आ रहा है सब कुछ? जरा सोचिए कि अगर घुल ले H2SO4 होगा तो यहां क्या रखाएगा? 98। और अगर यहां, तो ये अणु भार है जेड है और ये समतुल्य भार है, तो H2SO4 के लिए यहां पर रखाएगा 98 और यहां रखाएगा 49। लेकिन जरा सोच के तो देखिए कि अगर हमारा घुल ले, जरा ध्यान दीजिएगा, मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर हमारा घुल्ले NaOH जैसा पदार्थ हो तो अणु भार भी 40 और समतुल्य भार भी। अब आप ही बताइए, जब घुल्ले का अणु भार और समतुल्य भार बराबर हो जाए तो ये सामान्य मोलरता निकालिए चाहे सामान्यता निकालिए, जब भी किसी घुल्ले का अणु भार और समतुल्य भार बराबर होता है तो घुल की मोलरता और घुल की सामान्यता एक दूसरे के। अब शुरू से अंत तक नॉर्मलिटी के बारे में समझने का प्रयास कीजिए, जो बोल रहे हैं सब दिखेगा। किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में घुलने के ग्राम समतुल्य भार की संख्या को सामान्यता कहते हैं। सामान्यता को कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। सामान्यता का सूत्र WA × 1000/E×V। अगर हम लीटर में बोले तो क्या बोलेंगे जी? WA × 1/E इंटू भी। क्या क्या हमने बताया? अब मेन कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, बताइए जल्दी से, इस दोनों के सूत्र में आयतन है तो कि ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं? तो सामान्यता या मोलरता दोनों का मान ताप पर निर्भर। अब यूनिट, इसका इकाई था मोल प्रति लीटर, तो इसका मोल के जगह पर कौन आ गया है? तो इसका इकाई ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर। दिक्कत है?
तो ग्राम संतुलित भार प्रति लीटर इसकी इकाई हो गई। इसका मान ताप पर निर्भर करता है, और जब जब घुल्ले का अणु भार और संतुलित भार बराबर होता है तो घोल की मोलरता और सामान्यता बराबर होती है। तो दिक्कत अब हम लोग कितना बढ़िया समझे, कितना बढ़िया हम आपको समझा पाए, इसका रिजल्ट क्वेश्चन देगा। अगर क्वेश्चन बन रहा है आपसे, मतलब आप सब कुछ अच्छे से समझे हैं, और एक उससे भी पहले थोड़ा एक काम कर दे, जैसे जैसे हम समझाए हैं लिखवाए हैं थोड़ा एक बार फिर से समझ लिया जाए। किसी घोल के एक लीटर या 1000 ml में स्थित घुल्ले के मूल घुल्ले के ग्राम समतुल्य भार की संख्या को सामान्यता कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। माना कि VML के घोल में, ठीक है, घुल्ले का WA ग्राम है और घुल्ले का समतुल्य भार। अभी तुरंत सिखाए हैं कि ग्राम समतुल्य भार निकालने के लिए दिए गए भार में समतुल्य भार से भाग देते हैं। तो यहां पर VML के घोल में WA बटा E ग्राम समतुल्य भार है, तो VML में ना है, 1000 ml में जो ग्राम संतुलित भार होता है उसको मोल नॉर्मलता कहते हैं, इसलिए 1000 पर निकाला गया। देख सकते हैं यही आपका नॉर्मलता का सूत्र बन गया, यही ग्राम संतुलित भार। इसको क्यों नॉर्मलता कह दिया, क्यों? क्योंकि ये जो ग्राम संतुलित भार था वो VML में था, और 1000 ml में जो ग्राम संतुलित भार आता है वही होता है क्या, नॉर्मलता। ये देखिए नॉर्मलता का सूत्र, अब शब्द में WA क्या है, दिए गए घुल्ले का भार गुणे 1000, E क्या है, घुल्ले का समतुल्य भार, और दिए गए घोल का आयतन ml में। लीटर में देख लीजिए, दिए गए घुल्ले का भार गुणे 1, घुल्ले का समतुल्य भार गुणे दिए गए घोल का आयतन लीटर में। जो हमने समझाया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सामान्यता की इकाई ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर, इसका मान ताप पर निर्भर, क्यों? क्योंकि इसके सूत्र में आयतन पद वर्तमान है। जब किसी घुल्ले का अणु भार एवं समतुल्य भार बराबर होता है तो घोल की सामान्यता और मोलरता क्या होती है। अब आया बारी क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, सामान्यता पर आधारित प्रश्न आप सभी स्टूडेंट बनाने जा रहे हैं। बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए, क्या कहना चाहता है। 250 ml का घोल है, 250 ml, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, 250 ml का घोल है, कितना ग्राम घुल मिलाया गया है, 4.9 ग्राम स्टीरोफोर मिलाया गया है, और इतना ही सुनाकर कह रहा है कि नॉर्मलता निकालिए। तो नॉर्मलता तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से समतुल्य भार नहीं निकलेगा, और समतुल्य भार निकालने के लिए और भार में कितना से भाग लगेगा, यहां पर स्टीरोफोर को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे 2H+ और SO4। तो जो स्टूडेंट समतुल्य भार का अगर क्लास नहीं कंप्लीट किए हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में पीछे दिया गया है, या आप व्हाट्सएप 9431434546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि समतुल्य भार का वीडियो भेज दीजिए, हम भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा समतुल्य भार कैसे निकलता है। ये अणु भार है, यहाँ पर धनायन या ऋणायन की संख्या से भाग देना है, धनायन या ऋणायन की संख्या से नहीं, धनायन या ऋणायन के आवेश से, आवेश की संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ अणु भार कैसे निकलता है, ये आप 11th क्लास में ही पढ़े हैं, 1 × 2 + 32 + 16 × 4 / 98। तो ये आपका 49 समतुल्य भार आ गया। तो समतुल्य भार ही चाहिए था, क्वेश्चन पढ़कर जल्दी बताइए कितना ग्राम है, 4.9 ग्राम। बताइए क्वेश्चन पढ़कर आयतन कितना है, जल्दी से नॉर्मलता का सूत्र बोलिए, WA × 1000 WA का मान कितना, 4.9, 1000, E का मान 49 गुणे 250, ये कट गया 4 पॉइंट हट गया, 49 कट गया, नीचे बच गया 10, 4/10 0.4 यूनिट ग्राम समतुल्य भार प्रति। दिक्कत है, सारा मान दिया हुआ था, बस उठाकर सूत्र पर रखे हैं। अगर आप क्लास एब्सेंट कर रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो जितना जल्दी हो सके ये चीज सिस्टम अपना लीजिए, कि अगर आपका मन दिमाग काम नहीं कर रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप शाम होते होते 7 बजे तक व्हाट्सएप कर दीजिए कि आज हम नहीं आए थे, वीडियो लेक्चर सेंड कर दीजिए, सिर्फ पर्सनली आपको सेंड किया जाएगा, और बाकी लोग को तो ऐप में रेगुलर मिलता है 7 बजे, जो केमिस्ट्री का मतलब रजिस्टर ऐप है, उसमें अगर आप अच्छे से समझे हैं, तो अभी आपको अपना स्पीड, अपना फुल प्रूफ दिखाना होगा,
क्वेश्चन पढ़कर सब लोग तैयार हो जाइए और आपको डायरेक्ट आंसर बोलना है दूसरा क्वेश्चन नंबर दो का। हम सूत्र लिखकर तैयार है, क्वेश्चन सामने है। बारह सौ एमएल घोल में स्त्री पीओ4 का 9.8 ग्राम स्थित है तो घोल की सामान्यता ज्ञात करें। सामान्यता तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से समतुल्य भार नहीं निकलेगा, तो समतुल्य भार यहां निकालने के लिए सिखाया जा रहा है। S3 PO4 को तोड़ेंगे 3H प्लस PO4, तो यहां अणु भार में कितना से भाग लेगा, 3 से, यानी अणु भार 98 आएगा, 3 से भाग लेगा ना, तो 32.6। तो जल्दी से बोलिए WA बराबर, क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग, 9.8 ग्राम कितना समतुल्य भार, 32.6। कितना ml का आयतन है, 1200 ml। इसको आप हल करेंगे यूनिट ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर। और अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ध्यान रखिएगा जो होमवर्क में क्वेश्चन है वो लीटर में है और हम लोग अभी ml में बनाया है तब 1000 से गुणा हुआ है और जब लीटर पर होगा तो। चलिए आज का समझ रहे हैं आप लोग, S3PO4 ठीक है। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं 3H प्लस और PO4 माइनस माइनस। चलिए स्टार्ट कीजिए, कहां तक लिखे थे आप लोग, ये हो गया। चलिए लिखा जाए, जिसका भी क्लास छूटा है, जो भी स्टूडेंट शुरू से नहीं पढ़े हैं, आज 11 बजे लास्ट बार आप सभी स्टूडेंट को अलग टाइम दे जाएगा। कल अगर मांगेंगे आपको अच्छा लगेगा पढ़ाई 11 बजे तो आप फिर आप कल भी 11 बजे पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 दिन में पीछे का लगभग 6 दिन का पढ़ाई हम कंप्लीट करने के लिए समझाया जाएगा। और आपके पास मोबाइल है तो आप क्लास नोट्स आप वहां लेके रखेंगे अभी, तो आप फोटो खींच लीजिएगा और घर से लिखना शुरू कर दीजिएगा। होली का छुट्टी अभी जब होगा तो आराम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन कल से समझ में आने लगेगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा पीछे वाला सब लिख लीजिएगा और आज 11 बजे जरूर आ जाइएगा। ये नहीं कि ध्यान भी दे रहा है और आप भाग भी जाइएगा, फिर कल कहिएगा कल फिर से पढ़ाएंगे, ये गलत है। अगर धरती पर आज उतरे हैं इतना दिन बाद तो आज कम से कम आके पढ़ लीजिएगा। बोर्ड पर से लिखते रहिए और थोड़ा आई कार्ड निकाल कर सामने रख लीजिए, थोड़ा चेक कर ले हम, क्योंकि 2-3 लोग 4 लोग आ रहा है जा रहा है, 10 दिन से एडमिशन नहीं लिया है।